लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले शो की डेट मैं व्हाट्सएप करती हूँ। ओके मैम। मीरा, मीरा, मीरा। ओके बाय, एंजॉय। बाय मैम, बाय गर्ल्स। हाय मीरा। हाय।
जल्दी कर बहुत खून बह रहा है। मैं गाड़ी निकालता हूँ। जल्दी करना। क्या कर रहा है? ध्यान से चला। उन लड़कियों को छोड़ेंगे नहीं। हिम्मत कैसे हुई उनकी ये करने की? वेंकी, हाँ, पुलिस केस तो नहीं बनेगा ना? अरे कुछ नहीं होगा। नींद आ रही है भैया? नहीं मैडम। रुको, मैं आगे आती हूँ। मीरा, मीरा, डोंट गो। अदरवाइज ही विल बैंग अस इनटू सम अदर व्हीकल। लिसन, मीरा। कितनी बार वहां से निकलने का इशारा किया था, अगर इससे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? डॉक्टर, सर पर गहरी चोट लगी है, एमआरआई करना होगा। उसकी आंख तो बच जाएगी ना डॉक्टर? आंख में से ग्लास पीसेस निकाल दिए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप लोग एमएलसी रिपोर्ट रेडी कर दो। एमएलसी मतलब मेडिको लीगल केसेस। पुलिस पर डॉक्टर, वो तो नहीं। नहीं डॉक्टर, इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है। आप बस अधिक का इलाज कीजिए, पुलिस का मैटर हम देख लेंगे। Are you sure? या यू प्लीज फोकस ऑन द पेशेंट। बस एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, यहीं ओएमआर में। अरे यार, अधिक के सर पे चोट लगी है और खून पानी की तरह बह रहा है। हाँ, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तू जल्दी आ जा।
सर आप प्लीज उठिए, यहाँ से पानी देने का वक्त हो रहा है। और श्रीधर काम धंधा कैसे चल रहा है? ऊपर वाले की कृपा है, जब तक जनता फूल है तब तक हम कूल हैं। उस मेडिकल सीट का बस ध्यान रखिएगा। समझो काम हो गया, चाय पी लो। तंबी। जी सर। क्या हुआ था कल रात को? क्या हुआ था मुझे भी ठीक से पता नहीं है। फोन लगाओ। सॉरी सॉरी। अधिक अंकल का फोन। हेलो अंकल, गवास बोल रहा हूँ। ए अधिक को फोन दे। अंकल वो इस वक्त बात नहीं कर सकता जी, वो संडे नाइट को हुआ। स्टिचेस कितने हैं? स्टिचेस वो 7-8 होंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टिचेस खोलने के बाद पता चलेगा किसने किया वो। अब नहीं अंकल, यहाँ नहीं हुआ वो, ओएमआर में हुआ। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ ओके ठीक है। हाँ मैं अधिक को फोन करने बोलता हूँ। हाँ पक्का अंकल। बाय अनबू। बाय। हाय, हाउ वाज योर डे? इट वाज गुड। हाय, तुमने खाना खाया? नहीं भूख नहीं है। डोसा खाओगी? नहीं। वो नया किराएदार बाहर, काली रातें छाई है यूं मध्यम सी लौ जले, साथी कोई जब है मिले जीवन ये पूरा लगे। दर्द मेरा बांधे मुझे है ये जो दर्द मेरा बना है मेरी आहे मेरी बोले बन जा तू साथी तेरा। हेलो। नमस्ते ताऊ जी, ये केआरपुरम केंद्रीय विहार बिल्डिंग में रूम नंबर 60 आपका है ना? हाँ मेरा है, मगर ये पूछने के लिए तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? तुम हो कौन? ताऊ जी, उस घर में 3
छोरियां रहती हैं, उन्हें जल्दी घर खाली करने को बोलो। मैं समझा नहीं, क्यों बोलूं? क्या हुआ? समझाता हूँ, उनका चाल चलन ठीक नहीं है, सब धंधा करती हैं, समझे? हाँ? सुना? हाँ? देखो अभी प्यार से समझा रहा हूँ, सबको धक्के मार के बाहर निकालो। पर वो पिछले 2.5 साल से वहाँ रह रही हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो अच्छी लड़कियाँ हैं। बताओ, अपना भेजा मत घुमा, जितना बुलाया उतना कर, लड़कियों को निकाल दे, इसी में तेरी और उनकी भलाई है। हेलो हेलो हेलो, मैं नहाने जा रही हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसे आंखें चुराकर बात करने से भुलाया नहीं जा सकता। फामी, जो हुआ सो हुआ, वो लोग भी भूल गए होंगे, हमें भी उसे भूलकर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। भूलने लायक वो कोई छोटी बात नहीं थी मीरा। His eye, cut बहुत गहरा था। He was bleeding quite a lot. अगर बात पुलिस तक पहुंची तो आखिरकार चाहती क्या हो तुम? हर रोज इसी बात को सोचकर स्ट्रेस लेती रहूं, पागल हो जाऊंगी। She is right. Let's just forget the whole thing. क्या वो लोग भूल जाएंगे? 4 दिन हो गए पर इस घर में मैंने किसी के चेहरे पर हंसी नहीं देखी, हंसना भूल गई हूँ। तो हंसो ना, तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी हंसो एंड्रिया, दोनों साथ में मिलकर हंसो। हंसो तो हंसो ना। सच में डांटोगी तो नहीं? मैं क्यों तुम्हें डांटने लगी? अगर तुम हंसोगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बिंदास हंसो। तो पक्का हंसू मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप जरा एक मिनट रुकिए। हाउस ओनर पर आज क्यों? आज तो घर का किराया भी नहीं देना है। अंकल आज अचानक से? क्यों बेटी, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमेशा आती रही है। आपके लिए कॉफी बनाते वक्त एहसास होता है कि घर में किचन भी है। वैसे सब ठीक तो है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मैं तो बस। क्या हुआ अंकल? यहाँ तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? रात के वक्त कोई फोन करके तुम्हें धमकी तो नहीं दे रहा? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कुछ नहीं। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ, अब किराया लेने आऊंगा तब बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है अंकल। संभल कर रहना तुम लोग। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। कैसे, इनको कैसे पता चला? क्या पता? भारत, मिस्टर भारत, भारत सुब्रमण्यम। हेलो हेलो, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। अरे रुको रुको, तुम जाओ, मैं इन्हें लेकर आता हूं। मैंने दवाई का डोज बढ़ा दिया है, सही वक्त पर खा लेना। अगर दवाई नहीं खाई तो तुम्हें जितना खतरा है उतना ही खतरा तुम्हारे आसपास रहने वालों को होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड भरत। हम्म,
एक बार फिर कहता हूँ, मेडिसिन्स लेना मत भूलना। अगर मेडिसिन्स खत्म हो गई तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं भिजवा दूंगा। तुम उसके साथ रहते हो ना, ख्याल रखना इसका। ठीक है सर। डर लग रहा है मुझे। Promise. तुम मेरे साथ रहोगे ना? Promise. 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 डर लग रहा है मुझे। हम देख लेंगे, जाओ जाओ, कुछ नहीं हुआ। उठो उठो उठो। क्या वो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? हाँ ठीक हो ना? लग गई है क्या? ए पानी ला। आजकल के लड़कों को बाइक चलानी नहीं आती है, कोई भरोसा नहीं है इनका। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, चलता हूँ। आप पानी पियो ना, मैं उठाता हूँ ना स्कूटर। ए गाड़ी पकड़। क्या था वो? अपने हाथ पैर चेक कर लो, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं हा? सब ठीक है। ए ऑटो रोक। ए ऑटो रुक रुक रुक। कहाँ जाना है? शांति कॉलोनी जाओगे ना? हा? शांति कॉलोनी। शांति कॉलोनी वो तो यहीं पे पास में ही है। तुझसे मैं ये पूछा क्या? तो दूसरा ऑटो ले लो, मैं नहीं जाने वाला। अरे तू तो खींच के हैं, इंसानियत है कि नहीं? ताऊ को किसी ने बाइक से ठोक दिया और तू घर छोड़ने से मना कर रहा है। देखो ताऊ, अपना ख्याल रखना है और बिल्कुल सही सलामत अपने घर पहुंचे। मेरा वो काम भी करा देना, ठीक है? रात को फोन किया था ना, भूल गए क्या? उन छोरियों को निकाल दो। मेरे फ्रेंड्स और उनके बीच रेड को लेकर लफड़ा हो गया, मान नहीं रही थी। इतनी सी बात के लिए बावली ने सर फोड़ दिया उसका, मरते मरते बचा। अश्लील छोरियां हैं। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाद में फोन करता हूँ। चलो बैठो बैठो ताऊ। आपका बैग। ए चल निकल, बोलना बता। बेटी। हाँ बोलिए अंकल। आज सुबह जब मैं स्कूटर से घर लौट रहा था तो दो बाइक वालों ने आकर मुझे टक्कर मार दी और धमकी देकर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया बेटा, ये सब चल क्या रहा है? अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटी, पर मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बाद में कॉल करके सब कुछ बताती हूँ, फिर से कॉल करती हूँ। ठीक है बेटी। सोच समझ कर कदम उठाओ, वरना ठोकर लग जाएगी। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहां से आई ये सब करने के लिए? एक्चुअली सब कुछ अचानक से हो गया, ऐसा होगा हमने सोचा ही नहीं था। तुमने सोचा ही नहीं? सोचा होता तो लड़कों के साथ उस रूम में, और ये कैसा एंजॉयमेंट है?
आई डोंट अंडरस्टैंड। मीरा जाती है तो समझ सकते हैं, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, मगर तुम क्यों फमिता? कैरेक्टर की बात कहां से आई? तुम कहना क्या चाहते हो? लुक फमिता, आई कैन ईदर बी ट्रूथफुल और लिबरल, व्हाट डू यू वांट मी टू बी? मैं यहां एडवाइस लेने नहीं आई हूं, सोचा था बात करने से मन हल्का हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या बोला? आधिक दिखाई नहीं देता, क्या बोलेगा डॉक्टर? बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, बचेगी नहीं। उसे उठा के तेरी गोद में ला के रख दूंगा आधिक, अपने लिए मुश्किल नहीं है। ए, क्या बकवास कर रहा है? सही बोल रहा है मैं। तू वहां था क्या? नहीं। तो फिर? फिर क्या? तो फिर क्यों उसको उकसा रहा है तू? हे चिरकुट, क्या हुआ, तेरी भट रही है? ये बहादुरी दिखाने का टाइम नहीं है। विश्वा पहले तो चुप बैठ। क्यों? हे, तू सच में उससे डरता है क्या? वेंकी, चल गाड़ी साइड में लगा, वो बहुत डेढ़ शाणी है क्या? रुक अभी बात करता। तू क्या बात करने वाला है? बोला ना, अपना मुंह बंद कर। हेलो। हेलो मीरा, कौन बोल रहा है? नाम जान के क्या करेगी तू? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वही, मेरे दोस्त का सर फोड़ा ना तूने, अभी उसकी आंख जाने वाली है। अब इसका जवाब तो तेरे को देना पड़ेगा। I'm sorry, उस दिन सिचुएशन ही कुछ अलग थी। सिचुएशन अलग थी? तुम लोग आए थे ना वहाँ, किसी ने जबरदस्ती की थी, दांत दिखा के आई और ठूंसा भी है? अब ऐसा कुछ नहीं था, उस दिन मुझे गुस्सा आ गया और। ओह, तेरे को गुस्सा आ गया? अभी ना, अब उनके दोस्त को गुस्सा आया, इसीलिए मुझे भी गुस्सा आया। तेरी ना मैं अच्छे से वाट लगाने वाला हूँ, रेडी रहे। अब कैसे जलील करता हूँ तो देख लीजिए। अगर तुझे जलील करना है तो फोन क्यों किया बे? हाँ, हिम्मत है तो सामने आके दिखा। क्या बोली, फिर से बोल। सामने आऊं तेरे? एक बात ध्यान से सुन, अब उन तेरे सामने आ गया ना तो तू थर थर करके कांपेगी। ए, अपनी बकवास बंद कर और सामने आ। हाँ, देखती हूँ तो क्या करता है। सुना ना तूने विश्वा, उसकी अक्कड़ देखी, अपुन के दीदार को बेकरार है वो, जाना तो पड़ेगा। हैं, जाकर उसका वो हाल करूंगा मैं। सोच कर ही दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे फोन पे भी तो बता सकती थी। I didn't want to bother you, मगर आज सुबह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सो आई थॉट तुमसे बात करके कुछ क्लियरिटी मिलेगी। तुम अपने सोच में क्लियर हो, यू गर्ल्स आर रियली ब्रेव। तुमने कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात का? मीरा को बोलो कि पुलिस में कंप्लेन करे। क्या वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं? लेट्स गो, फास्ट फास्ट। मेरे अलावा वो लोग एसोसिएशन में और दो लोगों से बोलकर तुम्हें घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसकी टेंशन मत लो, तुम लोग वहीं रहो। हाँ, अगर कल एसोसिएशन वालों ने आकर कुछ बोला तो क्या करेंगे आप? जब बोलेंगे तब देखेंगे। और हाँ, मेरा तो कहना है कि तुम्हें कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, पुलिस में एक कंप्लेंट तो फाइल कर दो। नहीं अंकल, हम नहीं चाहते कि मामला और बढ़े। अरे
स्टेज पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और यहाँ चुपचाप बैठी हो? बाहर तुम्हें देखने के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। दीदी। व्हाट? कुछ नहीं दीदी, आती हूँ। देर मत करना। मीरा, इतनी डल क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? वो लोग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। तुम उसके मामा को जानती हो ना? क्या तुम लोग उनका मुकाबला कर पाओगे? ऊपर से तुम ठहरी लड़कियां। देखो फामिता, अगर बात आगे बढ़ गई तो किसका नाम खराब होगा? उनका? क्यों कर रही हो ये सब? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कल मैं उनके साथ रहूंगा, फोन लगा कर दूंगा। बस सॉरी बोल देना, इवन इफ यू डोंट मीन इट। एक छोटे से सॉरी से मामला खत्म हो सकता है। लेट्स जस्ट फिनिश इट हियर। एक्सक्यूज मी, हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। मैडम, ये इंसिडेंट मामलापुरम के पास हुआ है ना? हाँ सर। तब तो ये उसी एरिया में केस फाइल करना होगा। मगर धमकी तो यहाँ दे रहा है ना सर। मतलब केस फाइल करना ही है? हाँ सर। इस केस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो क्या होगा जानती हो? काम पर नहीं जा पाओगी, हर रोज पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे लिए ठीक है? अगर उस लड़के के सर पर चोट लगी होगी तो बहुत खून बहा होगा। अगर उसने कंप्लेंट की तो तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर करनी होगी। ठीक है, मैं लिखता हूँ। सर, आप एटलीस्ट उन्हें बुलाकर वॉर्न तो कर दीजिए। वॉर्न तो कर सकते हैं, मगर इसने उस लड़के पर असॉल्ट किया उसका क्या? अगर बात बाहर निकली तो क्या होगा जानती हो? टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब जगह तुम्हारी खबर छपेगी। दिखने में सुंदर हो, हर न्यूज़पेपर वाला फ्रंट पेज पर तुम्हारे फोटो छापेगा। वैसे पार्टी में सब लोग नशे में धुत होंगे ना? नहीं सर, बात यह है कि सर। बोलो मैडम। सर, फोन पर धमकी। फोन पर धमकी देना, गाली देना, ये भी कोई प्रॉब्लम है मैडम? इन सब का कोई मतलब नहीं है। थैंक गॉड उस दिन तुम्हें कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली मुझे तो गुस्सा आ रहा है तुम पर। क्या तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़की ऐसे बदमाश लड़कों के साथ बाहर जाती है कहीं? बोलो, अच्छी लड़कियां कभी नहीं जाती है ना? तुम अपनी मर्जी से उनके रूम में गई, उनके साथ हंसी मजाक किया, सिगरेट पिया, शराब पिया और फिर गिव एंड टेक। ऐसे हालत में ये सब तो होगा ना? अब आजकल की लड़कियां ही ऐसी। ठीक है, सब अपनी मर्जी से करती हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर प्रोटेस्ट करेंगी, कैंडल मार्च निकालेंगी और ऑनलाइन लिखेंगी इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, इस तरह की चीजें, और फिर नारेबाजी करेंगी। चलो इस बात को छोड़ो, ये हमारा सरदर्द है। मैं एक सलाह देता हूँ, तुम घर जाओ, पूरी रात बैठकर सोचो, जरूरी लगे तो अपनी दोस्त से बात करो, इन सब मामलों में एक्सपीरियंस वाली लगती है। मैडम, थोड़ी हेल्प कर देना इनकी, साथ बैठकर बात करो, फैसला करो, और फिर भी कंप्लेंट देने का मन करे तो आ जाओ, पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। आपकी समस्या को सुलझाने के लिए ही तो हम यहाँ पर हैं। वैसे तुम और कुछ भी पीती हो, जैसे चाय, कॉफी वगैरह? दिस इज एब्सर्ड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा दीदी। एक मिनट। हेलो प्रसाद, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन, थैंक यू। हे, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जहां इंसिडेंट हुआ तुम्हें वहां एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए थी। अभी एक ही ऑप्शन है, चेन्नई में जीरो एफआईआर फाइल करनी होगी। एफआईआर के बाद अपने ऑफिसर्स को बोलकर उन पर प्रेशर डालता हूँ, इसे वो डर जाएंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। थैंक यू सर। यू वेलकम। कंप्लेंट देने से पहले एक बार पूछ तो लेती, तुमने अकेले फैसला कर लिया, क्या तुम पुलिस वालों को नहीं जानती? उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो क्या विश्व पर भरोसा कर ले? वही इस प्रॉब्लम का जड़ है। Look, Femi, you know what these people are capable of. यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। सोचा कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर उससे पहले तो फिर बताओ कि मैं क्या करूँ? कंप्लेन वापस लेकर उससे माफी मांग लूँ या फिर उसके पैर पड़ूँ? बोलो। मीरा, तुम, मैं और एंड्रिया अपना घर और परिवार छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं?
काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, एक वर्किंग वुमन की तरह काम करके सिंपल सी जिंदगी को हंसी खुशी के साथ जीने के लिए आए हैं। इसमें पुलिस केस और कोर्ट का चक्कर हम नहीं झेल पाएंगे। इफ माई डैड फाइंड्स आउट, क्या होगा सोचकर भी डर लगता है। मुझसे ये सॉरी वॉरी नहीं बोला जाएगा फमी। तो फिर ठीक है, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। आज तुम्हें बम से उड़ा देने की धमकी दी है, कल रोड पर चलते वक्त मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया, तो एक सॉरी बोलने के डर से मैं पूरी जिंदगी एसिड से जला हुआ चेहरा लेकर नहीं जी सकती। एंड ऑल दिस नॉनसेंस विल स्टॉप वंस यू एपोलोजाइज। मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा आइडिया है। मीरा प्लीज प्लीज इसे कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं कल विश्वा को फोन करके सॉरी बोलकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उसने रोते रोते सॉरी बोला यार, तुम्हारी धमकियों से वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। अरे वाह, अपने को तो सुन के ही मजा आ गया। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, थोड़ा इंतजार कर, क्लाइमैक्स बाकी है। माफी मांगने के लिए तैयार हो गए वो लोग, और क्या चाहिए तुझे? बताऊं क्या? गवास, अपनी हद पार मत कर, तू उस वक्त वहाँ नहीं था, मुंह बंद रख। अगर अपन वहाँ होता तो इसकी नौबत नहीं आती। ए क्या गलत बोल दिया भाई मैंने, हां पुराना ट्रेडिशन ही तो फॉलो कर रहा हूँ। औरतों को उनकी सही जगह दिखाना जरूरी है, नहीं तो सर पे चढ़ के नाचती हैं। आदिक तू बता, बोल दूं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है? तू ही बता, उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? देख उसी का फोन आ रहा है, रिसीव करूं? हेलो हेलो विश्वा, हाय हाय फमिता। विश्वा तुमने वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था। हाँ, आदिक मेरे साथ ही है, मैं उसे फोन देता हूँ। फमिता हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहाँ है? आधिक उस दिन सब कुछ अचानक से हो गया, जानबूझकर नहीं किया था। कैन वी जस्ट फमिता, मेरे तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना मतलब इस मामले में मत पड़ो। मीरा को फोन दो, उसके बदले मैं सॉरी बोल देती हूँ। फमिता वेयर इज दैट बिच मीरा, मुझे सिर्फ उसके मुंह से सॉरी सुनना है, समझी तुम? आधिक प्लीज प्लीज इस तरह से बात मत करो। ए, 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 तू सती सावित्री बनकर लेक्चर झाड़ना बंद कर, मीरा को फोन दे, मुझे उस बिच से बात करनी है। गेट दैट स्लट ऑन द लाइन, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझी? मगर मुझे तुझसे प्रॉब्लम है, तू और तेरी गंदी जबान। मर्द बोलता है खुद को, कैसी घटिया बातें करता है। तूने क्या सोचा, तुझे फोन इसलिए कर रहे हैं कि हम तुझसे डर गए? उस दिन मीरा को एक नहीं दोनों आंखें फोड़ देनी चाहिए थी। तू बस देखता जा कैसे तुम लोगों की जिंदगी जेल में सड़ने वाली है। हेलो हेलो मैडम, बॉस ने बुलाया आपको। सर एनीथिंग इम्पोर्टेंट? दिस इज ऑकवर्ड। सब इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लुक फमिता, इट्स नॉट मी, वी आर एन इमेज कॉन्शियस कंपनी एंड यू नो माय बॉस। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस सर। देखो मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। I don't know, sir. तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो एंड लुक फॉर अदर प्रोस्पेक्ट्स। यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ गई सा, अच्छी तरह समझ गई। क्या आप HR से बोलकर मेरा अकाउंट सेटल करवा देंगे प्लीज? Yes, I'll do that. हेलो हेलो फमिता, ग्रेड क्या है तुम्हारा? हेलो फमिता, क्या तुम बाहर जाने का एक्स्ट्रा चार्ज करती हो? कितना चार्ज करती हो? हेलो फमिता, हेलो फमिता, कितना चार्ज करती हो? ग्रेड क्या है तुम्हारा? मैं सामान लेके आता हूं।
अरे रुको रुको रुको, पुलिस के पास जाके आप उनकी कंप्लेंट करेंगे? बहुत जानिए तुम। क्या हो गया? तेरा शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। डर लग रहा है? चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम। हमारे पड़ोस के लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, टाव पार्क वाले रोड के पास। नंबर नोट किया आपने? हाँ, ग्रे कलर की गाड़ी थी, हाईवे की तरफ गई। कार का नंबर देखा या नहीं? अभी तो बोला ग्रे कलर की गाड़ी थी। क्या हो गया? तुझे ही अपन के दीदार का शौक था ना, ले आ गया, अब कर ले जो कर। Help, please! Help, please! Hello? फोन पर तो तू बड़ी गर्मी दिखा रही थी, हैं? हेल्प चाहिए तेरे को? हैं? लड़की होके अपने को कर दिखा रही है तू? हैं? मैगी, मैगी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, मैं सब भूल जाऊंगी। कैसे भूल जाएगी? हैं? अपन तो जब भूलने नहीं देगा। इस दिन को तू अखा लाइफ याद रखेगी, फुल फीलिंग्स के साथ। चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम। मैडम वो एक यंग लड़की है, जल्दी एक्शन लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। सर बोला ना कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया है, हमें ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। दीपक भारत कैसे हो? बोलो। Give me 10 minutes. क्या रे तुम लोग अभी तक फैसला नहीं कर पाए? You got a coin on you? टॉस करके चांस लेते हैं। ए वेंकी आ जा कॉइन लेकर। No! रुक जाओ। I'm sorry. Please. अबे इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर, आराम से। ए चल हट, तुझसे नहीं होगा, मेरे को लगा तू बदला लेगा इसे, तू साला मूड बना रहा है, चल हट। ए गाड़ी साइड में ले, साइड में लेना। भरत मैंने सब जगह इंक्वायरी करके देख लिया है, पर ऐसे किसी इंसिडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है। आ गया तेरा। अगर अपना मुंह खोला ना तो ऐसी राइड बार बार करनी पड़ेगी। कैच यू लेटर बेबी। कहाँ गई थी मीरा? मीरा क्या हुआ? मीरा व्हाट हैपेंड? फामी एंड्रिया मीरा मीरा क्या हुआ? मीरा व्हाट्स रॉन्ग? आई नीड टॉवल लेकर आओ, उठो। मीरा क्या हुआ तुम्हें? मीरा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। इस शहर को छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हेलो सर। बोलो।
एक लड़की ने यहाँ मोलेस्टेशन की कंप्लेंट की है, लगता है इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो करो। कंप्लेंट रामजैम के भतीजे के खिलाफ है। जमींदार रामजैम? हाँ सर, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। रामजैम के भतीजे पर एक केस फाइल हुआ है सर। हाँ सर, मोलेस्टेशन का केस है। राइट सर। कहाँ हुआ ये? ओएमआर मां मल्लपुरम के पास। कौन कौन था वहां? मैं, थैंक यू और विश्वा। और तू? वो मैं मीटिंग के लिए आपके साथ फॉर्म हाउस गया था। कहाँ की रहने वाली है? एक चेन्नई की है, एक कोयम्बतूर की है, और तीसरी है कहीं सिक्किम बिक्किम से। तो नॉर्थ ईस्ट की है। जाओ। तो रुक, बस तेरा शरीर सांड की तरह हो गया है, अकल चवन्नी भर की भी नहीं। आखिर कब तक तेरी गलतियों के कारण मैं दो टके के लोगों के सामने हाथ जोड़ता फिरूं? पता नहीं कब सुधरेगा और कब उन लफंगों के साथ घूमना बंद करेगा। जा। सुनो, सी ब्लॉक में मीरा का फ्लैट कौन सा है? तीसरा माला मैडम। लेके आ। मामल्लपुरम स्टेशन से आई हूँ। एफआईआर लॉज हो गई। तुम में से मीरा कौन है? चल नीचे आ। क्यों? इंस्पेक्टर मैडम ने बुलाया है। मैडम यहीं बात करते हैं ना। अंदर आइए मैडम। तेरे चाचा की रिश्तेदार हूँ, नीचे बुलाए तो बहस करती है। ए, आंखें किसको दिखाती है? नीचे चल चुपचाप। हाथ छोड़ो मेरा। चल जा। इन लड़कियों के बारे में तो एसोसिएशन में कंप्लेंट भी हुई थी। तो तू है वो? हाँ। गाड़ी में बैठ, पूछताछ करनी है। मैडम ऊपर रूम में जाकर बात करते हैं ना। मैं क्या इसके लिए रिश्ता लेकर आई हूँ कि रूम में जाकर बात करूँ? ए चल गाड़ी में बैठ। मैडम प्रॉब्लम क्या है? तेरे को प्रॉब्लम जानना है? ए बता इसको। तुम्हारे ऊपर 307 का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर, अरेस्ट करने के लिए वारंट। मैडम मुझे क्यों अरेस्ट कर रही हो? पहले कंप्लेन तो मैंने की थी ना। मगर 307 का केस तो तुम पर फाइल किया है। इन लड़कियों का कैरेक्टर सही नहीं है, मेरे पति ने बताया था मुझे। जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना। गाड़ी में बैठ। मैडम कहाँ लेकर जा रहे हो? चल, बाकी का प्यार स्टेशन में दिखा। रुक जाइए। चल मीरा। ए बाजू आ। रुक जाइए। चल अंदर। मीरा, मीरा तुम जाओ, हम वहीं आते। मीरा, मीरा। मैडम ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में बात हुई थी, देखिए। क्या है? मैडम आपने कहा था कि इंस्पेक्टर 11 बजे आने वाली हैं, पर अभी तक नहीं आई। अगर आप बता देती कि वो कब तक आएंगी? आएगी तो बता दूंगी। बाहर रुक। अगर टाइम बता देती वेट करने को बोला ना, निकल यहाँ से। बेटी तुमने जान कहा था मैं आ गया, तुम लोग कहाँ हो? अंकल आप सीधे अंदर आ जाइए। अंकल। हाँ? सर आप लोग बाहर जाके वेट कीजिए, मैडम को आने में अभी देर है। 6 बजे के बाद यहाँ अंदर बैठना अलाउड नहीं है। सर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, एक बार मिल लेने दीजिए ना प्लीज। और कितनी देर हमें वेट करना पड़ेगा? कितनी भी देर वेट कर लो मगर तुम उससे नहीं मिल पाओगे। जाओ जाकर बेल का बंदोबस्त करो। दस बज रहे हैं, लगता नहीं अब इंस्पेक्टर आने वाली है। आप जाइए अंकल, आपको दवा भी लेनी है, हम देख लेंगे। कैसी बात कर रही हो बेटी, अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? विल टेक केयर अंकल। लगता है आ गई। अंकल चलिए। अंकल आइए।
मैडम प्लीज। हरिहरन। मैडम दो मिनट के लिए मिलने दो इन्हें। जी मैडम। मीरा पापा प्लीज घर चले जाओ प्लीज। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बेल के लिए अप्लाई करने को कहा है। वारंट देखा आप लोगों ने? 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। पैसे नहीं मिले इसलिए एक लड़के का सिर फोड़ दिया। वो अगर मर जाता तो कौन जवाब देता? हाँ रास्ते पर खुले आम धंधा करती है तुम्हारी लड़की, ब्रोथल में करो। मैडम ये सब पता है तुम्हें, बाप हो ना तुम। फिर कैसी बातें कर रही है? मुंह बंद। धंधे में तू उसकी पार्टनर है ना, साथ कैसे छोड़ेगी? ये एफआईआर कॉपी लो और निकलो यहां से। फामी सोच समझ कर कदम उठाने को कहा था ना, वो पेपर की कॉपी कहाँ है? कौन से पेपर की कॉपी? पेपर की कॉपी यानी कॉपी ऑफ कंप्लेंट पेपर। लेकिन आप उसका क्या करेंगे? मुझे देखना है क्या चार्जेस लगाए हैं। जाओ लेकर आओ। तो मीरा इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और तुम कौन हो? फमिता। और ये एंड्रिया। चार्जेस आर सेक्शन 324 कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड सेक्शन 383 अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट एंड प्रोस्टिट्यूशन। बेल ना हो सके इसलिए फ्राइडे को अरेस्ट किया गया। वैसे भी बेल नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पेन है क्या? एक अच्छा सा लॉयर हायर कर लो। शनिवार को सेशन जज के घर जाकर इमरजेंसी बेल अप्लाई करने को बोलो। उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तब भी लेडीज और माइनर्स को बेल मिल सकती है। फामी, कम से दिस। Mental depression, bipolar with acute mania. He is currently not in practice. फेरी वालों के समर्थन में भरत सुब्रमण्यम ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था उसको लेकर चेन्नई हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। अरे जल्दी कर भाई। हाँ मिल जाएगी। अरे चार क्या, 40 को मार के आएगा तब भी मैं बेल दिलवा दूंगा, तू पेमेंट का ध्यान रखना। एक मिनट रुक, पहले ही बता चुका हूँ ना वीकेंड कोर्ट बंद रहता है, मंडे को बेल लेकर देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर वो जज के घर जाकर इमरजेंसी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तुम्हें ये सब किसने बताया? लॉयर भरत सुब्रमण्यम। वो जिंदा लाश की तरह दिन भर भटकता रहता है, उसकी बात सुनकर मुझे सलाह दे रही हो? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ठीक है उसी के पास जाओ, उसे ही वकील बना लो। जाओ जाओ। सॉरी सर, प्लीज सर। हे चल मैडम, प्लीज मैडम चल। एक मिनट रुकिए। मीरा लॉयर ने कहा है मंडे को बेल मिलेगी, दूसरा लॉयर हायर करेंगे, तुम्हें जल्दी बाहर निकालेंगे, तुम चिंता मत करना मीरा। अंदर बदबू आती है, बर्दाश्त नहीं होता फामी, लगता है उल्टी हो जाएगी। मीरा मीरा मैडम, इस लड़की को बहुत तेज बुखार है, देखिए तो। मामला सीरियस तो नहीं होगा? सेक्स का मामला है, बात बाहर निकली तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश में इस तरह की खबरें चल रही हैं। मिडिल क्लास की लड़कियां हैं ये सब, बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है। मेरे पास ही लौट कर आने वाली हैं, मैं देख लूंगा सर। कुछ दिन चक्कर लगाने दो,
मामला बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा सर, मगर भरत सुब्रमण्यम नाम का एक लॉयर है, उसको संभाल लीजिए। ठीक है सर, मैं उसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। कोर्ट में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है सर। वहाँ पर लीगल टर्म्स यूज करते हैं, कंसल्टेशन, कॉन्फ्रेंस और ब्रोकिंग फीस। हाँ सर, उनके अलावा और कोई केस लेने को तैयार नहीं है, डरते हैं सर। कौन है, नाम? श्रीधर, पुलिस स्टेशन में रेकमेंड किया था। वो अच्छा आदमी नहीं है। सो व्हाट डू वी डू सर, क्या आप हमारा केस प्लीज सर। अवेन की ट्रीटमेंट चल रही बेटी, केस लेना मुश्किल है। हम मिडिल क्लास फैमिली की साधारण सी वर्किंग विमेन है, हमारे परिवार वाले ये सब नहीं सह पाएंगे, प्लीज सर। हमें बहुत डर लग रहा है सर, उसे बचा लीजिए। मैंने उसे किसी भी तरह बाहर निकालने का प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस? इस बार अपना प्रॉमिस पक्का पूरा करोगे ना वकील साहब? प्रॉमिस। डर लग रहा है। प्रॉमिस, प्रॉमिस। तुम मेरे साथ रहोगे ना? टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जाइए यहाँ से, पार्क बंद होने वाला है। सुनाई नहीं देता आपको, आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे सर जाइए, यहाँ क्यों बैठे हैं सर, जाइए, पार्क बंद होने का टाइम हो गया, जाइए। अरे आप सुनते नहीं है क्या? नीलू को बुला रहा है। हेलो, हेलो। कौन? मैं उसका डॉक्टर हूँ। डॉक्टर, जल्दी आ जा, तेरी जरूरत पड़ेगी। तू कौन है मैं नहीं जानता, मगर इस वक्त उसके सामने खड़ा मत रह। कई सालों के गुस्से को दबा कर रखा है उसने, कहर बरसाएगा। काफी सालों का गुस्सा। Ah!
जवाब जवाब दे। तुमने कोई सवाल नहीं पूछा, जवाब क्या दूं? जवाब दे, जवाब दे। बताता हूँ, दे जवाब। बताता हूँ, नासिक के रखवाले। क्लासिक गैरेज वाले। घसीट कर लेकर आओ। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। जल्दी से जवाब दे भाई। पर सवाल ए
तो बात को समझो, गलती से हो गया। अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। आई नो व्हिच इज लॉफुल एंड अनलॉफुल। मेरी नौकरी का सवाल है, बात करते हैं प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा मैं। मुझे एक सवाल पूछना है, पूछ कर चला जाऊंगा। मुझे मारने के लिए आदमी क्यों भेजे? सिर्फ डराने के लिए। क्या मेरे चेहरे पर डर दिख रहा है? क्या मेरे चेहरे पर डर दिख रहा है तुझे? नहीं। जो मुझे डराने की कोशिश करता है उसको डराना ही मेरी फितरत है। मगर गलती तो इन लड़कियों की थी ना। क्या सही है और क्या गलत ये फैसला कोर्ट करेगा। फिर कभी कोर्ट के बाहर ऐसी घटिया हरकत की तो ऐसा डराऊंगा कि डर के मारे तेरी धड़कन रुक जाएगी। आ मुझसे लड़ ले, देख ले जो तू भिड़ सके तो आशिकार कर ले। जोश ना उम्र से कम है भारी पड़ेगा, जो भी भिड़ा है वही टूटेगा। कौन है ये योद्धा, दुश्मनों को धूल कर दे। पैसों की परवाह मत करना, बस इसे खत्म कर दो। सर ये बार काउंसिल, पीपल्स लॉयर फ्रंट जैसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका है, इसे हाथ भी लगाया ना तो सारे वकील इसके सपोर्ट में उतर जाएंगे। सर ये छोटा सा केस है, कोर्ट में लड़ना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आज जो हुआ प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, बात बाहर आ गई तो बदनामी होगी। थैंक्स अ लॉट सर। बेल मिलने से खुश होने की जरूरत नहीं है, ट्रायल के लिए तैयारी करनी होगी। इस पर साइन कर दो। थैंक यू सर। 15 की हियरिंग डेट है, गेट रेडी। नमस्ते सर। नंबर 54/19 मीरा कृष्णन केस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्गुमेंट। योर ऑनर, इंडिया में औरतों का सम्मान होता है, यहां उन्हें देवी का रूप मानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई कानून मौजूद हैं। कुछ नए कानून बने तो कुछ पुराने कानून मजबूत हुए, जैसे कि रेप, मोलेस्टेशन, डाउरी वगैरह वगैरह। मगर कुछ महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर बोल दो कि दाल में नमक कम है तो अपनी सास पर डाउरी का केस कर देती हैं। अगर अलग रहने से मना कर दिया तो पति पर घरेलू हिंसा का केस फाइल कर देती हैं। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उसी कानून का फायदा उठाकर कुछ महिलाएं समाज के अमीर और इज्जतदार लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करने की कोशिश करती हैं। मार्च 1 तारीख को मीरा कृष्णन और उसके दोस्त, मिस मीरा कृष्णन और उसके दोस्तों ने आदिक और उसके दोस्तों के साथ जान पहचान बनाकर दोस्ती की। इन ऑल गुड फेथ आदिक ने रात को उन्हें डिनर पे बुलाया। रिसोर्ट में गए, दोस्ती हुई, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। मगर अचानक से मीरा ने आदिक को पैसे के बदले सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने का ऑफर दिया। जिस लड़की को वो शरीफ और अच्छे घर की समझ रहा था, उसी के मुंह से पैसों की बात सुनकर आदिक शॉक हो गया। जब आदिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मीरा ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। जब आदिक फिर भी नहीं माना तो उस पर बोतल से हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की। हमला करके वो तीनों वहां से भाग जाती है। सो द केस इज वेरी क्लियर योर ऑनर। सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन, सेक्शन 324 कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर भरत, मिस्टर भरत सर, सर ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। आई वांट टू मेक इट क्लियर सर, पुलिस के पास कोई ठोस केस नहीं है। मिस्टर भरत क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज? Let me make this clear, sir. यह सच्चा केस नहीं है। मेरे क्लाइंट से बदला लेने के लिए
एक झूठा केस तैयार किया गया है। अगर ये सही केस होता तो उसके चार्जेस होते सेक्शन 354, आउटरेज इन द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। आदिक ने मामोलापुरम हेरिटेज रिजॉर्ट में मेरे क्लाइंट के साथ बदसुलूकी की, जबरदस्ती करनी चाहिए, और पुलिस ने आदिक के इन्फ्लुएंस में आकर मीरा की कंप्लेंट ना लेते हुए आदिक की कंप्लेंट के बेसिस पर चार्जशीट फाइल कर दी सर। उनका दूसरा चार्ज है सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये लड़के उस घटना के बाद भी कॉन्स्टेंटली मेरे क्लाइंट्स और उनके दोस्तों को फॉलो करके धमकाते रहे। साथ में और भी दो जुर्म किए, वो है सेक्शन 362 किडनैपिंग एंड सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। गवास्कर, वेंकटेश और साथ में दो लोगों ने मिलकर मेरे क्लाइंट को गाड़ी में किडनैप करके रेप से मेरा मतलब मलेस्ट किया योर ऑनर। इसके अलावा और कुछ सर? बस इतना ही, बस यस योर ऑनर। मिस्टर सत्यमूर्ति, पहले PW1 मैं आयु अमुधा को बुलाना चाहता हूं। किस बेसिस पर अपने चार्जशीट फाइल किया? सर मुझे लड़कों की कंप्लेन तो पहले ही मिल चुकी थी, केस लड़कियों का था इसलिए डायरेक्ट एक्शन लिए बिना मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया। ओके। हेरिटेज रिसॉर्ट में जांच पड़ताल करने के बाद पता चला घटना के वक्त लड़कियां वही थी। इसके अलावा लड़कियों की FIR में यकीन करने जैसा कुछ भी नहीं था सर, तो इसीलिए लड़कों की कंप्लेन लेकर चार्जशीट फाइल कर दी। तो उसी वक्त मीरा कृष्णन को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर वो एब्सकॉन्डेड थी। अच्छा, तो बिना मीरा का स्टेटमेंट लिए कैसे पता लगाया कि उसी ने आदिक पर हमला किया? कंप्लेंट मिलने के बाद जब इन्वेस्टिगेट करने गई तो रिसॉर्ट के वेटर और मैनेजर ने कंफर्म किया कि इन्होंने ही मारा है। जिस बोतल से अटैक किया गया था उसे आपने बरामद किया? यस सर। एग्जिबिट PW2 मटेरियल एविडेंस, मीरा कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स भी हैं योर ऑनर, दैट्स ऑल। मिस्टर भरत, क्रॉस एग्जामिनेशन। नो क्रॉस योर ऑनर। आई इमीडिएटली वांट टू कॉल अपॉन PW3 डॉक्टर श्रीवत्सन टू द स्टैंड। डॉक्टर, जब आदिक को हॉस्पिटल लाया गया तो चोट कैसी थी? बॉटल टूटी नहीं होती तो द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा कुड हैव प्रोबेबली किल्ड हिम, क्योंकि चोट काफी गहरी थी। अगर कोई नस कट जाती तो इट कुड हैव बीन फेटल, जान भी जा सकती थी। यस यू आर राइट, दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर भरत, क्या आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं? नो क्रॉस योर ऑनर। सच साबित करने के लिए PW4 हेरिटेज रिसोर्ट के वेटर मिस्टर मुकेश को स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। क्या इसी लड़की ने आदिक पर अटैक किया था? हाँ सर। क्या हुआ था उस रात, हमें बताओ। सर पहली बार मैंने इन लोगों को रेस्टोरेंट में देखा तो सब हंसी मजाक कर रहे थे, मगर उन लड़कियों के कपड़े, उनके बोलने का तरीका, उनका चाल चलन देखकर ये लग नहीं रहा था कि ये लोग कपल्स हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ एक रात रुकने के लिए वहां आए थे। मैंने मैनेजर को रूम देने से मना भी किया था सर, इस तरह की लड़कियां। सर मैंने नॉर्मल कपड़े पहने थे। मीरा कृष्णन, डोंट स्पीक आउट ऑफ योर टर्न। सिर्फ कपड़े देखकर ऐसी बातें नहीं सोच सकते ना सर। अगर ये उस टाइप की लड़कियां नहीं होती तो लड़कों के साथ अलग अलग कमरे में क्यों जाती? अच्छा, पहले कौन गई? वो चश्मे वाली लड़की। बट सर मैं बाथरूम यूज करने गई थी। मिस्टर भरत, अपने क्लाइंट को समझाएं। फिर मैं वहां से चला गया सर। बाद में वहां से चिल्लाने की आवाज आई, मैंने देखा तो लड़कियां भाग रही थी, ये लोग तो भाग गई। बाद में मैंने देखा कि ये सर के चेहरे से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। That's all your honor. Mr. Bharat, cross? No cross, your honor. Sir, sir, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? Next PW5 resort manager विजय को बुलाना चाहूंगा। उस रात कस्टमर को अटेंड करते वक्त मीरा आदिक से क्या बात कर रही थी, कोर्ट को बता सकते हो? सर वो बात मैं यहाँ इतने लोगों के सामने कैसे बता सकता हूँ? तुम क्यों हिचकिचा रहे हो मैं समझ सकता हूँ, मगर कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है, जल्दी बोलो। लड़की बिना शर्म के बोल सकती है तो तुम क्यों नहीं? सर एक लड़का और लड़की जो बंद कमरे में करते हैं ना, उस बारे में बात कर रही थी ये सर। ये झूठ बोल रहा है सर, he's lying. You will get your chance. Sit down. सर पर मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। मिस्टर भरत। मीरा, जज साहब तुम्हें बोलने का मौका देंगे, बैठ जाओ। बट सर। जस्ट सिट डाउन एंड बी क्वाइट।
Just sit. Mr. Bharat Cross. No cross, Your Honor. Meera Krishnan, you can take this stand. आपके ऊपर जो चार्जेस हैं काफी सीरियस हैं। आपको जो भी कहना है कह सकती हैं। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप जा सकती हैं। The accused pleaded not guilty. No cross, no cross, no cross, no cross. हमारी लॉयर ने उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा. Yeah, he was zoned out the entire time. अब मेरा उन पर से विश्वास उठ गया है. क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? बोलो. जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या वो ये केस लड़ पाएंगे या नहीं. हाँ, ठीक है. चलो कॉफी लीजिए. सर, कोर्ट में जो जल्दी क्या है? कुछ नहीं सर, आपकी वाइफ की तारीफ कर रही थी. आखिर उनको क्या हुआ था सर? सर की वाइफ का नाम कल्याणी था. दोनों के माता पिता नहीं थे. शुरू के दिनों में सर ने खतरनाक और ताकतवर लोगों के खिलाफ केस लड़ा, इसलिए उनकी जान को हमेशा खतरा रहता था. और फिर एक दिन हेलो, अपने पति को बोल कि अगर अगली इयरिंग में आया तो उसकी हड्डियां तोड़ डालेंगे. ठीक है सर, बोल दूंगी कि फोन करके आपने मुझे धमकी दी है. ठीक है ना, फोन रखूं? ये भंकस नहीं, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? अच्छा, आप अपनी ही पहचान भूल गए? एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट का नंबर देती हूँ. पहचान छुपा कर रखो वरना पहचानने लायक नहीं रहोगे. रखती हूँ. तुम्हारे पैरों की आहट नहीं पहचानती क्या मैं? मास्क उतारो. छे, बहुत बुरा एक्टर हूँ. Happy 15th anniversary, my darling. कितने बजे घर आने का वादा किया था? Sorry बाबा, आज किसी को केस खत्म करने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया. और मुझे जल्दी घर आने का प्रॉमिस किया था, उसका क्या? लोग अपनी पत्नी से किया हुआ प्रॉमिस हमेशा पूरा क्यों नहीं करते हैं? जवाब दीजिए वकील साहब, देख क्या रहे हैं? अरे सवाल जब बीवी पूछ रही हो तो अच्छे अच्छे वकीलों की बोलती बंद हो जाती है. क्या कहा? कभी सोचा है कि शादी के इतने सालों बाद भी हमारा एक भी बच्चा क्यों नहीं है? माय डार्लिंग, बच्चा नहीं है उसकी चिंता छोड़कर क्यों ना आज उसे लाने की तैयारी की जाए. खिले फूल राहों में अपने, इस पल में सज गए सपने, सांसों की सरगम से हम एक हुए. हाथों ने हाथों को छूके, एक दूजे का साथ जो मांगे, इन प्यार की राहों में हम तुम उड़ने लगे. रुक जाना
पे पल तू रुक जाना, ना जाना ना जाना इस पल से ना जाना। तेरे सामने थम जाऊं, अदाओं से तेरी मर जाऊं, तुझे चूम लूं प्यार से, तेरे प्यार में खो जाऊं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर भरत, टेस्ट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, स्कैन भी हो गया। कल्याणी ने कुछ बताया तुम लोगों को ट्विंस होने वाले? सो डबल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। वन मोर थिंग, ये लेट प्रेगनेंसी है और ट्विंस भी हैं, तो तुम्हें अपनी वाइफ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसमें प्री टर्म डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है, तो ज़रा ध्यान रखना। स्वीटहार्ट, अभी उस बात को लेकर टेंशन में हो? डर लग रहा है। डिलीवरी के दिन ऑपरेशन थिएटर में तुम मेरे साथ रहोगे ना? पक्का रहूंगा यार। सच में? प्रॉमिस। इस बार अपना प्रॉमिस पक्का पूरा करोगे ना वकील साहब? बिल्कुल योर ऑनर। पति होता है ऐसा। बेचैन ये दिल गया संभल, तू रहना बाहों में, फिदा में तेरी अदाओं पे, राहों में मुझे तुम अब मिले, पर रहना यूं ही साथ में, दिल का तू ताज है, मेरा तू ही प्यार है, मुझे तूने अपना यू लिया, सब कुछ मुझे तेरा दे दिया, मन में मुझको बसा लिया, प्यार मुझे तूने सिखा दिया, तेरा साथ ही बस मेरे लिए सांस है। हाँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। स्वीट हार्ट, मेरा असिस्टेंट आ रहा है, अगर कुछ चाहिए तो उसे बता देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय बाय। बोलो सर, रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई, रिपेयर करके घर पहुंचा तो देखा घर बंद है, घर में कोई भी नहीं है। हेलो, क्या हुआ डॉक्टर? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। और हुआ क्या? थोड़ा भी कॉमन सेंस है तुम्हें? डॉक्टर मैं कोर्ट में था। एक प्रेग्नेंट लेडी को घर में कभी अकेले छोड़ते हैं? वो बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी। Thank you.
बहुत कोशिश की भरत, मगर हम तीनों को ही नहीं बचा पाए। डर लग रहा है मुझे। तुम मेरे साथ रहोगे ना? प्रॉमिस। तुम मेरे साथ रहोगे ना? प्रॉमिस। तुम मेरे साथ रहोगे ना? प्रॉमिस। सर, बच्चों को एक बार देख लो सर, मुझे रिपोर्ट बनाकर मॉर्चरी में भेजना है सर। सर, सर। सर, ये रही ऑपरेशन के वक्त निकाली गई ज्वेलरी और साड़ी। अपनी पत्नी की मौत का गम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते रहे, अपने आप को कोसते रहे। मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, बाइपोलर जैसी बीमारी हुई, इसलिए उन्होंने कोर्ट की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आज पता चला कि प्रॉमिस का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसीलिए वो हमें प्रॉमिस करने से डर रहे थे। डॉक्टर, दवाई खाने के बाद कोर्ट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। केस खत्म होने तक क्या दवाई स्टॉप कर सकता हूं? नो नो, दवाइयां लेते रहना, उन्हें कहो कि कोई और लॉयर देखे। So, एंड्रिया टेरियांग, तुम नॉर्थ ईस्ट से हो ना? हाँ सर। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से? त्रिपुरा से? मेघालय। मेघालय, वैसे हिंदी अच्छी बोल लेती हो। इस तरह के काम में तो नई भाषाएं सीखनी होती है। वैसे ये काम कब से कर रही हो तुम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोर्ट में अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ। प्रूव करना है तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। चलो इस सवाल का जवाब दो, लड़कों से दोस्ती करने का काम कब से कर रही हो? This is a lie. I do nothing of this sort. Andrea, आपको इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। Sir, मैं एक leading salon में top stylist का काम करती हूँ। I'm being wrongly accused. तो फिर उस रात वेंकी के साथ अकेले दूसरे कमरे में क्यों गई? Toilet use करने। तुम दोनों काफी देर तक उस रूम के अंदर थे। Yes, but I was... सफाई देने की जरूरत नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए, हाँ या ना, क्लियर कट जवाब। Yes, I was there for a while. Okay. रूम के अंदर जाने के बाद दरवाजे को किसने बंद किया? मुझे याद नहीं। याद नहीं है? मैं याद दिलाऊं, तुमने बंद किया था। अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? मगर तुम्हारा बैड लक देखो, उस दिन रिजॉर्ट का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। पहले वेंकी अंदर गया और उसे फॉलो करते हुए तुम गई, फिर अपने हाथों से दरवाजे को तुमने बंद कर दिया। सच कह रहा हूँ ना? Then maybe I did. That's all your honor. I would like to cross your honor. मिस एंड्रिया, तुम नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हो, है ना? मेघालय, वो जगह जहां क्लाउड्स, ब्यूटीफुल म्यूजिक और फुटबॉल खेला जाता है। इसका इस केस के साथ क्या संबंध है मिस्टर भरत? आई थॉट देयर इज योर ऑनर। वेटर मुकेश से किसी ने नहीं पूछा वो आंध्रा से, डॉक्टर से नहीं पूछा वो केरला से, इंस्पेक्टर अमुधा से नहीं पूछा गया, मैनेजर से नहीं पूछा गया। सो आई थॉट अगर मिस्टर सत्यमूर्ति ने सिर्फ एंड्रिया से पूछा तो उसमें कोई कनेक्शन तो होगा। सर, आई फील एज अ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल, आई एम बीइंग वर्बली हैरेस्ड मोर देन द एवरेज इंडियन गर्ल। बट मिस एंड्रिया, जिस रूम में तुम थी वहां का बाथरूम यूज कर सकती थी, फिर तुम अकेले उसके साथ दूसरे रूम में क्यों गई? अधिक ने कहा उसके टॉयलेट का फ्लश खराब है,
He told me to go to the other room. क्या तुमने खुद चेक किया? नहीं, but it was Adik's room. What could I do? Okay. मगर तुम अकेले क्यों नहीं गई? Adik said the room was locked. उसने वेंकी को दरवाजा खोलने के लिए कहा. And he just followed me inside. मगर उसके बजाय तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? I was in a rush. उसने लाइट ऑन कर दिया. It was instinctive. दरवाजा बंद करने से महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होता है. Fair enough. मगर तुम कमरे में रुक क्यों गई? अंदर क्या कर रही थी? मुझे जवाब दो मिस एंड्रिया. द कोर्ट वॉन्ट्स टू हियर. व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द बाथरूम, वहां के सारे लाइट्स ऑफ थे. आई कॉल वेंकी फ्यू टाइम्स बट ही डिडंट आंसर मी. मुझे बाहर आने से डर लग रहा था. मैं धीरे से बाहर आई और उसने मुझे छूना शुरू किया. मुझे बेड पर धक्का दे दिया और अपने हाथों से मेरे Your Honor, Andrea उस रूम में क्यों गई? इतनी देर वहां क्यों रुकी? सत्यमूर्ति जी को अब तक तो पता चल ही गया होगा, मगर वो क्या कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं. उनके पूछे गए सवालों ने मुझे विमेन सेफ्टी मैनुअल लिखने का आइडिया दिया है, जिसमें रूल नंबर 1 है, किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए, यहां तक कि रिजॉर्ट में भी नहीं, और खासकर रिजॉर्ट के टॉयलेट में तो कतई नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वहां के लोगों को लगता है कि लड़की सब कुछ करने के लिए रेडी है, और उसने लड़के को छूने की या फिर बेझिझक कुछ भी करने की परमिशन दे दी है. भारत साहब गुस्से में आकर क्यों कहानियां सुना रहे हो? जो हुआ उस पर बात करते हैं. अगला गवाह वेंकी उर्फ वेंकटेश को बुलाना चाहूंगा. क्या तुम एंड्रिया के साथ दूसरे कमरे में अकेले गए थे? यस सर. सीसीटीवी फुटेज में पता चला तुम दोनों काफी देर तक अंदर थे, क्या ये सच है? हाँ सर. इतनी देर अंदर कर क्या रहे थे? सर दरअसल सर ऐसी सब बातें मैं लोगों के सामने कैसे बताऊं? आप ही गेस कर लीजिए. He's lying. तुम चुप रहो, तुम बोलो. सर वो मेरे पास आई, मुझसे लिपट कर कहने लगी कि तुम रेट की चिंता मत करो, मीरा अधिक से पैसों की बात कर लेगी. फिर मुझे किस करके मेरे शर्ट के बटन खोलने लगी. मैं बहुत ही डर गया था. फिर मैंने उसे धक्का दिया और समझाने लगा कि मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं. तुमने कुछ नहीं किया, कोर्ट इस बात को कैसे मान ले? वेंकटेश तुम एक जवान लड़के हो, वो एक सुंदर लड़की है. एक जवान लड़की के साथ तुम अकेले कमरे में थे और कहते हो कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे. कौन इस बात को मानेगा? इट्स वेरी टफ टू बिलीव. सर वो इसलिए क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है. आई मीन अ कमिटेड रिलेशनशिप. सर मैं एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता हूं. आई ऑब्जेक्ट. टू व्हाट सर? टू दिस ऑकवर्ड परफॉर्मेंस. ये नाटक कर रहा है सर. उस रात यही उसके साथ कंटिन्यूअस फ्लर्ट कर रहा था. लगता है तुम्हें बहुत कुछ कहना है. आ जाओ. फमिता बानू से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं योर ऑनर. तुम्हारे घर में कमाने वाली सिर्फ तुम हो? हाँ. तुम्हारा भाई स्पेशल चाइल्ड है ना? हाँ. ट्रीटमेंट में बहुत खर्च होता होगा? हाँ. तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 40,000. हाथ में कितना आता है? 30,000. कोई लोन वगैरह? एक पर्सनल लोन और एक होम डेवलपमेंट लोन. होम डेवलपमेंट लोन? फिर पैसों की तो हमेशा जरूरत रहती होगी. सर ये क्यों पूछ? कैसे मैनेज करती हो? किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है? मैं समझी नहीं इससे उसका क्या संबंध है. मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा पैसों की जरूरत रहती है मगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, करेक्ट? ये सब आप क्यों पूछ? ये मैं किस लिए पूछ रहा हूँ? आदिक से सवाल करने के बाद पता चल जाएगा. उस रात क्या हुआ था हमें बताओ. उस रात हम सब EDM फेस्टिवल में गए थे सर. ऑब्जेक्शन. शुरू भी नहीं हुआ और आपने ऑब्जेक्शन कर दिया? यहां बैठे सब लोग जानते हैं मिस्टर आदिक, तुमने एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है. एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग सीट को रिजेक्ट करके तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा. पहले चेन्नई में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन में उस पढ़ाई को पूरा किया. इतने पढ़े लिखे लोगों को मुश्किल होती है यह समझने में. पॉकेट से अपना हाथ बाहर निकालो, ये कोर्ट है. श्योर सर. उस रात हम इनसे म्यूजिक फेस्टिवल में मिले थे. मिलते ही हमसे हंसी मजाक करने लगी. तुम्हें शक नहीं हुआ ये लड़कियां इतनी क्लोज और फ्रेंडली क्यों हो रही हैं? फेस्टिवल में इतना शक नहीं हुआ, हमें लगा लड़कियां काफी फ्रेंडली हैं, मगर रिजॉर्ट में जब वो हिंट्स देने लगी तब पता चला.
हिंट्स? कैसी हिंट्स? जैसे कि अकेले में चलते हैं, हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। उस वक्त भी कुछ क्लियरली नहीं बताया। नहीं सर, मगर रूम में जब पीना शुरू किया उसके बाद खुल के बात करने लगी। क्या खुल के बातें हुई? जी वो कहा कि पैसे दोगे तो एंजॉय कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताओ जरा। सर जब ये अलग अलग रूम में ले जा रही थी तब मुझे शक हुआ, फिर उसके बाद तुम डर गए। हाँ। और फिर? ऑब्जेक्शन। कटघरे में खड़ा करके इसे तकलीफ क्यों दे रहे? सत्यमूर्ति जी आप ही बोल दीजिए, वैसे भी जो आपने सिखाया है ये वही बोलने वाला है, कोर्ट का टाइम भी बच जाएगा। मिस्टर सत्यमूर्ति, डोंट लीड द विटनेस। सर रिजॉर्ट में मीरा ने मुझे एक ड्रिंक बनाकर दिया और फिर मुझे छूने लगी, मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, आई जस्ट मेंट विद द फ्लो, मगर जब पैसा मांगा तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, तुम चली जाओ। उसने कहा तुम करो या ना करो मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं चिल्लाऊंगी और सबसे कहूंगी तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी तुम पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं सर। और फिर? फिर उसने गुस्से में आकर मुझे धक्का दिया और बॉटल से मेरे सर पर अटैक किया। That's all, Your Honor. Your Honor, I would like to question him. Mr. Adik, कुछ देर पहले तुमने कहा इन्होंने तुम्हें कुछ हिंट्स दी, किस तरह की हिंट्स दी थी? जैसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, मुझे इधर उधर टच करके हंस रही थी। ओह, बात खत्म हो गई? जी हाँ। उसने तुमसे हंस हंस कर बात की, टच करके बात की। सो वुमन सेफ्टी मैनुअल लिखते वक्त इसे भी शामिल करना होगा, यही है रूल नंबर 2 कि किसी लड़की को किसी लड़के के साथ हंस हंस के या टच करके बात नहीं करनी चाहिए, वरना लड़का उसे हिंट समझ लेगा। अगर उसने हंस के बात की तो उसका मतलब है वो सब कुछ करने को तैयार है। हंस के और टच करके बात करना ये इंसान का नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। क्या लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए? अगर आदमियों की तरह लड़कियां हंस हंस कर बात कर ले तो उसे चालू कहते, उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठती, आइटम चीप एटसेट्रा 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 कहा जाता है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है, मेरी सोसाइटी के और कई लोग भी इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। इन लड़कियों के घर पे लड़कों का आना जाना होता रहता था। That's all, Your Honor. मिस्टर कृष्ण, रात को जो लड़के उनके घर आते हैं, जो अक्सर आया करते हैं, वो उनके फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सर। लड़के उनके घर में क्या करते हैं या क्या नहीं करते आपने अपनी आंखों से देखा है? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, दूसरों के घर में झांकना गलत बात है। यानी आपने उनके घर में कभी झांक कर नहीं देखा? नहीं सर। इसका मतलब आपने लड़कों को पैसे देते हुए या फिर दोनों को साथ में बेड पर सोते हुए नहीं देखा है ना? नहीं मगर। हाँ बोलो या फिर ना, इस तरह घुमा फिरा कर बात करके कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। योर ऑनर, मिस्टर कृष्णन सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे, इज मियरली प्रिज्यूमिंग थिंग्स, मगर इनकी मनगढ़ंत कहानी में एक सीख भी है, वो है रूल नंबर 3, लड़कियां घर लेट ना आए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में घड़ी की सुई देखकर उसके किरदार को आंका जाता है। रात को लड़की अकेली सड़क पर होती है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है, लिफ्ट ऑफर की जाती है, मगर पता नहीं लोगों को ऐसे नेक और अच्छे ख्याल दिन में क्यों नहीं आते। नेवर। चेन्नई में तुम्हारा अपना घर है? हाँ। क्या? हाँ है। कहाँ? थिरुनंदरूर में। तुम्हारी फैमिली वहाँ रहती है? हाँ। तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इन लड़कियों के साथ यहाँ रहती हो? सर मैं एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन हूँ, डांस शोज में परफॉर्म करती हूँ, शोज लेट खत्म होने की वजह से इतनी दूर इतनी देर रात को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती थी, और मेरे पापा मेरे घर आने तक सोते नहीं थे, उनको हर रोज की तकलीफ ना हो इसलिए। डैड को तकलीफ होती थी या फिर तुम्हें अपना काम करने में होती थी?
हर रोज महिलाएं बस ट्रेन टैक्सी से काम के लिए सफर करती है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है? जरा हम भी तो सुने, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें, बताओ। मिस मीरा, तुम इन लड़कों से कब और कैसे मिली ये बताइए। सर, 1 मार्च को जो म्यूजिक फेस्टिवल था उसमें मैंने परफॉर्म किया था और मुझे 2 फ्री पासेस भी मिले थे, इसलिए मैंने अपने रूममेट्स को इनवाइट किया। वहीं मैं विश्वा से मिली। विश्वा मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसने वेंकी और अधिक से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब तुम उनमें से एक लड़के को पहले से जानती थी? यस सर। इसीलिए बिना डरे तुम उनके साथ चली गई? हाँ सर। क्या उनमें से किसी ने तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक किया जिससे तुम्हें लगा हो कि उनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं सर, उस वक्त हम सेफ फील कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगा। सोचा सिर्फ डिनर है तो हमने जाने का डिसाइड किया। मीरा, तुम उनके साथ हंसी मजाक कर रही थी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली भी हो रही थी। आई वॉज नॉर्मल। पार्डन? मैं नॉर्मल थी सर। नॉर्मल? एक साथ खाना खाया, ये तो नॉर्मल है। एक साथ हंसी मजाक और ठिठोली की, ये भी नॉर्मल। मगर जो लोग इतने अच्छे थे उन पर कांच की बोतल से अटैक किया, ऐसा क्यों? सर, ही ग्रैब्ड मी, मुझे जोर से पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं है क्या, अगर कोई इस तरह छूता है तो बहुत बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है सर। बार बार उसे मना किया पर उसने सुना नहीं, सो आई लॉस्ट इट। इतनी बुरी तरह चोट लगी कि सोचा नहीं था सर, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मगर ऐसे कोई छूता है तो कौन बर्दाश्त कर सकता है। मैं गिड़गिड़ाती रही मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। Do I need to say anything more, you? मीरा कृष्णन सेज अधिक ट्राइड टू आउटरेज माई मॉडेस्टी, इसलिए खुद को बचाने के लिए इन्होंने उसे मारा। मिस्टर सत्यमूर्ति क्रॉस, क्या एक्टिंग करती हो भाई, मानना पड़ेगा। शुरू से देख रहा हूं योर ऑनर, ये लड़की काफी अच्छी एक्टिंग करती है। मीरा, उस रात जो हुआ वो तुमने बड़ी आसानी से एडिट करके बता दिया, मगर जो सच तुमने नहीं बताया वो अब तुम खुद बताओगी। डायरेक्ट पूछता हूं, कितने पैसे मांगे तुमने? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सत्यमूर्ति केयरफुल। योर ऑनर, इसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? कोई भी लड़की किसी अनजान के साथ ऐसे कैसे रिसॉर्ट जा सकती है? सर, मुझे पहले लगा कि सेफ है इसलिए उनके साथ गई। मैं मानती हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, पर मैं तुम गलती से वहां पर नहीं गई, बहुत सोच समझ कर गई। नो, यस, वो लड़के सेफ है, तुम्ही ने तो कहा था। व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? हमें लगा कि वो लोग बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें लगा वो लोग बुरे लोग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कुछ गलत करने की सोचेंगे भी नहीं? हाँ। मतलब लड़के डिसेंट हैं। हाँ, मगर सर, मगर जब तुम्हें पता चला कि लड़के अमीर हैं, मस्ती करने में इन्हें इंटरेस्ट होगा, आसानी से जाल में फंस जाएंगे, फिर मोटी रकम निकाल लूंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ना ही वो बेवकूफ बने और ना ही उन्हें इंटरेस्ट था। जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया तब तुमने अटैक कर दिया। डिनर पर इनवाइट करना, उनका जिद करना, फ्रेंडशिप करना, ये सब झूठ है। सही कहा ना, है ना मीरा? नहीं सर, तब तक हम फ्रेंड्स बन चुके थे। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बनाने के लिए तो महीनों सालों लग जाते हैं मिस मीरा। नहीं, जान पहचान के लोग हैं। जान पहचान के लोग, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जब तुम आदिक और उसके दोस्तों का बैकग्राउंड जान गई, पता चला वो बहुत अमीर हैं। पर सर, उस वक्त वो
अमीर है या गरीब है या वेल कनेक्टेड है मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं था, तो फिर रेस्टोरेंट में डिनर के बाद शराब क्यों पी तुमने? उन्होंने ऑफर किया इसलिए। सुनाई नहीं दिया। उन्होंने ऑफर किया तो हमने एक एक ड्रिंक ले ली। वाह वाह, चलो इतना तो सच कहा, ये तो नहीं बोला उन्होंने ड्रिंक के लिए फोर्स किया था। योर ऑनर, हमने एक फोटो सबमिट किया है, उसमें मीरा बॉटल लेकर अपनी ड्रिंक खुद बना रही है। लकीली ये वेंकी के कैमरे में कैप्चर हो गया। सर टेबल बहुत छोटी थी, आधे टेबल से दूर बैठा था, उसने एक ड्रिंक मांगी तो मैंने डाल कर दे दिया। Point to be noted, your honor. आदिक को इसने खुद ड्रिंक बनाकर दी। इससे ये पता चलता है पहले से प्लानिंग करके ये उन्हें रूम के अंदर लेकर गई। सर बॉटल दूर थी। क्या? दूर थी। उसे छोड़ो, क्या तुमने सिर्फ एक ही ड्रिंक पी? एक ड्रिंक। क्या? रेस्टोरेंट में एक। उसके बाद? रूम में। तमिलनाडु की महिलाएं वाइन शॉप बंद करने के लिए रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, मगर यह है कि कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट में ड्रिंक पी और उसके बाद आदिक के साथ गंदी गंदी बातें करके हंसी मजाक करने लगी, ऐसा मैनेजर की गवाही में है। हमें बताओगी क्या बातें कर रही थी? आई डोंट रिमेम्बर सर। ओहो, याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूं, आदिक के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना है, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रही थी, रिजॉर्ट के मैनेजर ने अपने कानों से सुना। ये सब का तुम कितना पैसा लेती हो? आई रिमेम्बर सर, उसने एक जोक सुनाया इसलिए मैंने भी एक जोक सुनाया। जोक? कौन सा जोक? हमें भी सुनाओ, हमें भी हंसना है। मिस्टर सत्यमूर्ति, योर ऑनर, इसे जोक सुनाने दीजिए, क्योंकि ये झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? जोक सुनाओ, जो तुम बोलोगी, जो मैनेजर ने सुना, अगर वो मैच हो गया तो हम मान लेंगे। क्यों? नकली जोक बनाने में मुश्किल हो रही है? नहीं, जोक को प्राइवेट में सुनाने में और पब्लिक में सुनाने में फर्क होता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट योर ऑनर, जो लड़की पब्लिक में एक जोक नहीं सुना सकती, वो पब्लिक में कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि उस काम के लिए गई थी? नेचुरली सिंपल ड्रिंक, सिंपल डिनर के लिए गई थी, यही कहेगी, और उन लोगों के साथ गई थी जिन्हें पहचानती नहीं। कोर्ट ये नोट करें, इसीलिए इसके स्टेटमेंट पर यकीन ना करते हुए कोर्ट सिर्फ एविडेंस को देखें, जैसे ये वीडियो एविडेंस, इसे देखकर पता चल जाएगा इसने पैसे मांगे थे या नहीं। पहली क्लिप में मीरा बाहर आती है, पीछे उसकी दोनों दोस्त आती हैं, पैसों के बारे में बात होती है, फिर अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंड्रिया वेंकी के साथ बाहर आती है। कैमरा 2 के सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं दोनों रूम नंबर 503 में जाते हैं। पहले वेंकी अंदर जाकर लाइट चालू करता है, पीछे से एंड्रिया अपने हाथों से दरवाजा बंद करती है। कुछ देर बाद रूम की लाइट बंद हो जाती है, फिर फमिता विश्व के साथ बाहर आती है और दूसरे रूम में चली जाती है। अचानक से आदिक के रूम से आवाज सुनाई देती है, सब आदिक के रूम की तरफ भागते हैं। अंदर मीरा ने आदिक से पैसे मांगे मगर उसने मना कर दिया। दोनों के बीच बहस होती है, मीरा ने बोतल से आदिक पर हमला किया और वहां से भाग गई। अगर इसकी गलती नहीं थी तो फिर वहां से भागी क्यों? पुलिस को बुला सकती थी मगर नहीं बुलाया, क्योंकि इस तरह की लड़कियां पुलिस को नहीं बुलाती, और जब मामला बढ़ गया तो एक झूठी कंप्लेंट कर दी, पुलिस को अपनी ही एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना दी, मगर ये सच नहीं, इस वीडियो में जो है वही सच है और इसने जो कहा वो झूठ। दिस इज ब्लडी बुलशिट। हीरा कृष्णन लैंग्वेज, झूठ बोल रहे हैं। हम वहां पैसों के लिए नहीं गए थे। बार बार इंसिस्ट करने के बाद हम सिर्फ वहां डिनर के लिए गए थे। रूम में पूरा सिगरेट का धुआं था, इसीलिए कुछ देर के लिए हम बाहर आ गए। जब एंड्रिया काफी देर से नहीं आई तो उसे देखने के लिए फमिता बाहर गई, और जब मैं बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे कस कर पकड़ लिया और छूने लगा। कितनी बार मना किया मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और कस के पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने बॉटल उठाकर उसे मारा। अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो मैं दोबारा उसका सर फोड़ दूंगी। मीरा कृष्णन, next time the court will But sir, will have you removed. Sir, please,
मैंने पैसे नहीं मांगे सर, सर प्लीज सर, मैंने पैसे नहीं मांगे। The court is adjourned. मेरा यकीन कीजिए सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। मीरा झूठ मैं मीरा को अपने साथ घर ले जा रहा हूं। Mira, I'm keeping this for you. इंस्पेक्टर अमुदा। सुपरवुमन। सर। मिस्टर भरत। योर ऑनर। सुपरवुमन, सुपरमैन, सुपरवुमन। इंस्पेक्टर अमुदा, लड़कों से कंप्लेंट मिलने के बाद आपने मीरा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर, मीरा एब्सकॉन्डेड थी, हमने बहुत ढूंढा पर मिली नहीं, कहीं जाकर छुप गई होगी। अच्छा, कहीं जाकर छुप गई। अगर वो कहीं जाकर छुप गई थी तो इतनी आसानी से घर से कैसे पकड़ा? सर, वो मतलब बहुत दिन छुपकर बोर हो गई होगी। नहीं, वैसे भी कोई ढूंढ नहीं रहा है तो छुपकर फायदा क्या, इसीलिए ऑटो लेकर घर आ गई और आपने आसानी से जाकर पकड़ लिया। सर, बात वो नहीं है पर सुनाई नहीं दिया। सर, टिप ऑफ। सर, टिप ऑफ किसने दिया? टिप किसने दी आपको? सर, उसके घर के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात थी। ये झूठ बोल रही है योर ऑनर। नहीं सर, सिविल ड्रेस में कांस्टेबल्स थे सर। झूठ। नहीं सर, वहाँ पुलिस वाले थे। झूठ। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप झूठ बोल रही हैं। सरासर झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल झूठ। योर ऑनर, इंस्पेक्टर को डराने के बजाय उनके झूठ को साबित करें तो बेहतर रहेगा। सही कहा आपने, साबित करते हैं। या आपकी लिखी हुई रिपोर्ट की ही कॉपी है ना? हाँ, मेरी लिखी हुई। इसमें उसी घटना के बारे में लिखा है ना? यहाँ देखिए। हाँ सर। मगर उस दिन आप ड्यूटी पर थी ही नहीं मुदा मैडम, तो फिर ये कैसे लिखा आपने? अदियार में किसी की शादी अटेंड करने गई थी ना? सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप ड्यूटी पर नहीं थी, आपने इस रिपोर्ट को अपने हाथों से लिखा, हालांकि पेन और इंक दोनों अलग है, ये कैसे हुआ? सर, शादी अटेंड करके मैं जल्दी आ गई थी सर। तो आप अडियार मैरिज हॉल से 11:05 को निकलकर OMR के मामलापुरम पुलिस स्टेशन में 11:15 को पहुंच गई। रास्ते में तो टोल नाके हैं और लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कम से कम 60 मिनट तो लगते हैं, अगर टोल को इंक्लूड करें तो 70 मिनट। मगर आप 10 मिनट में वहां कैसे पहुंच गई? सो लेट मी गेस, आपने अडियार से 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चलाया होगा और मामलापुरम पुलिस स्टेशन पहुंच गई होंगी। वाह, आपको F1 रेस में होना चाहिए मैम। पुलिस डिपार्टमेंट में आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हैं। सर, वो मामला सीरियस था इसलिए मुझे हवा की स्पीड से आना पड़ा।
चलिए मान लेते हैं मामला सीरियस था और आप हवा की स्पीड से आई, मगर रिपोर्ट सिर्फ दो लाइन में क्यों खत्म कर दी? हेरिटेज रिजॉर्ट में मीरा ने बड़ी बेदर्दी से आधिक के सर पर बोतल मारकर उसे जान से मारने की कोशिश की, जिससे खून बहुत बहा। सर, दो लाइन में लिखा, फिर भी रिपोर्ट तो क्लियरली समझ में आ रही है ना? एक बात समझ में नहीं आई मैडम, मीरा का पूरा नाम लिखा है मगर आधिक का आपने पहला ही नाम लिखा। चलिए मान लेते हैं ये वही आधिक है जिसके बारे में इस वक्त हम इस केस में चर्चा कर रहे हैं। सर, केस उतना ही था, उसके बाद क्या लिखना है पता नहीं चला, जितना चाहिए था उतना लिख दिया। आपने अपनी सहूलियत से जो चाहा लिख दिया, राइट? कुछ समझी नहीं। वाकई नहीं समझी? सुरेश जब ऑटो में बैठा उस वक्त, ये भी आप ही की लिखी हुई रिपोर्ट है मैडम। सुरेश जब ऑटो में बैठा उस वक्त उसका मोबाइल उसके पॉकेट में था, मगर जब ऑटो से उतरकर अपनी जेब टटोलकर उसने देखा तब मोबाइल नहीं था। आखिरी बार उसने अपने 4C मोबाइल को, जो कि इसमें लिखा हुआ था 4C, उसे मिटाकर 4G कर दिया। वाह, क्या डेडिकेशन है इंस्पेक्टर अमुदा। उसके अलावा और भी 10 लाइनें लिखी हैं। ऑटो में मोबाइल खो जाने पर आपने आधे पेज की रिपोर्ट लिखी, मगर इतनी बड़ी घटना को दो लाइन में निपटा दिया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस पेज पर आपने रिपोर्ट लिखी उस डेट में उस पेज पर उतनी ही जगह बची थी। सही कहा ना मैडम? जब मेरी क्लाइंट मीरा ने 20 मार्च को आधिक पर कंप्लेंट दर्ज करवाया, आपको ऊपर से प्रेशर आने लगे, फिर आपने रजिस्टर उठाकर बैकडेट में जाकर बड़ी सफाई से मार्च की पहली तारीख में दोबारा कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा मैडम, पिक्चर क्लियर तो हो रहा होगा। योर ऑनर, इस रजिस्टर में हर रिपोर्ट एक या आधे पेज पर लिखी गई है, सिर्फ यही रिपोर्ट है जो दो लाइन में लिखी गई है। क्योंकि जब मेरी क्लाइंट मीरा ने आदिक के नाम से कंप्लेंट की, तब आनन फानन में ये दिखाने के लिए कि आदिक ने मीरा से पहले कंप्लेंट की है, इन्होंने बैकडेट में जाकर एक झूठी कंप्लेंट दर्ज की। और ना, यही सच्चाई है। किसी एक का भरोसा जीतने के लिए किसी मासूम को जलील नहीं करना चाहिए। काली रातें छाई है यूं मध्यम सी लौ जले, साथी कोई जब है मिले जीवन ये पूरा लगे। Are you a virgin? हाँ? मैंने जो सवाल पूछा वो तुम्हारी समझ में आया मिस मीरा? क्या तुम्हारा कुंवारपन बरकरार है? Are you aware of the 2018 amendment, Mr. Bharat? Section 146, amendment 53 है। Consent जरूरी है सवाल पूछने से पहले। I'm aware, Your Honor। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब तुम देना चाहती हो या नहीं? अगर आप comfortable नहीं हैं, तो हम इस सेशन को इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के जरिए प्राइवेट रूम में भी कर सकते हैं। नहीं सर, ओपन कोर्ट में ही जवाब दूंगी। प्रोसीड। आर यू अ वर्जिन मिस मीरा? तुम्हें हां या ना में जवाब देना होगा। डोंट शेक योर हेड। नहीं। ऑलराइट। क्या उम्र थी जब तुमने अपनी वर्जिनिटी खोई? क्या इस सवाल का इस केस के साथ कोई संबंध है मिस्टर भरत? मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर पर बार बार सवाल उठाकर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है योर ऑनर, इसलिए सोचा कि एक बार मैं भी उनके सारे सवालों के जवाब दे दूं, अगर प्रोसिक्यूशन को एतराज ना हो तो। नहीं। क्या उम्र थी जब तुमने अपनी वर्जिनिटी खोई? मेरी उम्र 19 साल थी। सुनाई नहीं दिया? मेरी उम्र 19 साल थी। यानी उस वक्त मीरा एक अडल्ट थी योर ऑनर। लड़का कौन था? मेरा बॉयफ्रेंड। उस लड़के का नाम क्या था? अरुण। क्या उसके लिए उसे पैसे दिए थे? ये कैसा बेतुका सवाल है? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। उसने इस काम के पैसे दिए थे या नहीं?
वो क्यों मुझे पैसे देगा? Just answer my question. मिस्टर भरत, आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मिस मीरा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमने जवाब देने का वादा किया है, बोलो। नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, we were attracted to each other, तो उसके लिए पैसे क्यों देना? इसका मतलब अरुण ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए ठीक है, क्या उसने फोर्स किया? नहीं, ना ही उसने मुझे फोर्स किया और ना ही उसने मुझे पैसे दिए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे तो हमें जो करना था हमने वो किया। राइट। अब जो लोग तुम्हें जानते हैं, जैसे विश्वास और उसके दोस्त, उन्होंने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि और भी लड़कों के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे। क्या ये सच है कि उन सभी के साथ तुम्हारे संबंध थे? कुछ के साथ थे। कुछ के साथ थे मतलब संबंध थे, तो मानती हूं। मेरा सवाल यह है कि उस रात ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें अधिक के सर पर बोतल मारनी पड़ी? तुम तो ये पहले भी कर चुकी हो, तो एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? सर, आप क्या पूछना चाहते हैं मैं समझी नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मार्च फर्स्ट की नाइट को आदिक और उसके दोस्तों ने यह सोचा होगा कि इस लड़की का कैरेक्टर ढीला है, अगर ये दूसरों के साथ सो सकती है तो एक रात के लिए हमारे साथ क्यों नहीं? माना इसके पहले जो हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ, किसी ने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मगर वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाए, जिसके लिए ना पैसे लिए गए ना किसी ने जबरदस्ती की, उस बात को लेकर प्रोसिक्यूशन ने तुम्हें एक वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर प्रूफ किया है, क्योंकि उनकी नजरों में तुम एक गिरी हुई बच्चलन लड़की हो। इसीलिए उस तारीख को, उस रात को, उस घड़ी में क्या हुआ था, तुमने अक्यूज्ड आदिक के साथ क्या किया, ऐसा क्या क्लियर इंडिकेशन तुमने दिया जिससे प्रोसिक्यूशन को यह पता चले कि तुम्हें सेक्स में इंटरेस्ट नहीं था? जवाब दो। आई रिफ्यूज्ड। क्लियर क्लियर बोलो, तुमने क्या किया और क्या कहा? तब मैंने उससे धक्का देकर। तुमने क्या कहा और किन शब्दों में कहा? I said no, don't. What did you say, Miss Meera Krishnan? What did you tell him? No, I said no. क्या कोर्ट में बैठे सभी लोगों के सामने तुम यही बात जोर से बोल सकती हो, मीरा कृष्णन? What did you say? No, I said no. You said no. तुमने साफ मना कर दिया। She said no, Your Honor. उसके बाद भी आदिक ने इसे गंदे तरीके से टच किया, वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने हमला किया। इसने उस वक्त शराब भी पी रखी थी। शराब पी थी। यह है रूल नंबर 4, Your Honor. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर लड़की ने पी तो लड़का इसे हिंट समझता है। अगर यह मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो यह मेरे साथ सो भी सकती है, यह उसका मानना। अगर लड़की पीती है तो उसका कैरेक्टर ढीला है, और अगर लड़का पीता है तो यह कहा जाएगा कि यह तो आजकल का फैशन है। मैं लड़कियों के शराब पीने को सपोर्ट नहीं करता। अगर शराब पीना गलत है तो यह रूल लड़का और लड़की दोनों पर लागू होने चाहिए। नैतिकता के पैमाने लड़का लड़की दोनों के लिए एक समान होने चाहिए। मगर हम कर भी क्या सकते हैं, मर्द वाइन शॉप में बैठकर शराब पीते हैं और औरतें उसी वाइन शॉप को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट करती हैं। सो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफर, यू नो, शॉर्ट्स पहनना, लो नेक टॉप पहनना या मिनी स्कर्ट पहनना, ये सब कपड़े लड़कियों के लिए वर्जित हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों में लड़कियों को देखकर बेचारे मासूम लड़के उत्तेजित हो जाते हैं। शायद आज तक हम गलत दिशा में जा रहे थे, यू नो। लड़कियों को लड़कों से बचाने के बजाय हमें नादान लड़कों को लड़कियों से बचाना चाहिए, और इस तरह लड़कियां खुद ब खुद अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। शहर में लड़कियों को ना अकेले रहना चाहिए ना अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, क्योंकि लड़के भ्रमित होते हैं। क्या है कि ऐसी लड़कियों को देखकर लड़के थोड़े से ललचा जाते हैं। बात करते वक्त लड़कियों को हंसना नहीं चाहिए, अगर कोई हंसी मजाक की बात भी हो तो चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होने चाहिए। पुराने जमाने की तरह लड़कियों को चूल्हा फूंकना चाहिए, ना उन्हें पढ़ने का हक है ना नौकरी करने का। मोबाइल तो कतई मत दो, छोटी उम्र में उसकी शादी करा दो, बस इसी में हमारी जीत है, जीत है, जीत है, जीत है।
आई एम सॉरी योर ऑनर, मुख्य विषय से थोड़ा हट गया था मैं। माय क्लाइंट हैड अ फ्यू ड्रिंक्स, यह उसके इंटेंस एक्शन का कारण हो सकता है। बस इतना ही हुआ। बार बार एक लड़की को गंदे तरीके से टच किया जाए तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। उसने अपने बचाव के लिए एक कदम आगे उठाया, दैट्स ऑल। इट इज नॉट कॉजिंग ग्रीवस इंजरी और अटेम्प्ट टू मर्डर, इट्स जस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा का अधिकार योर ऑनर, इसके अलावा और कुछ नहीं। नो 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 नो, मुझे पता है वो नशे में थी। जिस तरह मीरा ने शराब पी रखी थी उसी तरह उसके फ्रेंड्स ने। तो फमिता ने विश्व पर बोतल क्यों नहीं मारी? हमने वीडियो पे क्लियर फुटेज देखा है। एंड्रिया के जाने के बाद वो क्यों विश्व के साथ बाहर आई? बताइए। आई वंस अगेन वुड लाइक टू कॉल फमिता बानू योर ऑनर। फमिता बानू, क्या तुम प्रोफेसर जाहिर को जानती हो? जानती हूँ। कौन है वो? कैसे जानती हो? दोस्त है। दोस्त है या उससे भी कोई बढ़कर? वो मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ? वो मेरा पर्सनल मैटर है। ओह अच्छा, पर्सनल है, ठीक है। उसकी उम्र तुमसे काफी बड़ी है, राइट? उसका डिवोर्स भी हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है ना? सॉरी, ये उनका पर्सनल मैटर है। योर ऑनर, इन दोनों के बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। इट वॉज प्योरली अ बिजनेस रिलेशनशिप। वो आदमी इनका एक कस्टमर है। नहीं, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? योर ऑनर, कुछ बैंक स्टेटमेंट सबमिट किए हैं, उन्हें देखकर पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप था। आप अपने मन से कुछ भी कैसे कह सकते हैं? कुछ सालों से उसके अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपए आते हैं। ये क्यों आते हैं बता सकती हो तुम? मैंने उनसे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए उधार लिया था, मैंने पैसा लौटाना भी शुरू कर दिया था। आप उस बात को क्यों नहीं बता रहे? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। इन्होंने पैसे चुकाने शुरू कर दिए, मगर कब से? जब से ये केस फाइल हुआ। क्यों जानते हैं योर ऑनर? क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसकी सारी करतूतें बाहर आ जाएंगी। शी इज वेरी प्रोफेशनल एंड शार्प माइंडेड। आप इन सारी बातों को क्यों तोड़ मरोड़ के झूठ बोले जा रहे हैं? ब्रेकअप हो गया हमारा, अब हम एक साथ नहीं रहते। That's why I'm not comfortable, इसीलिए मैं पैसे भी लौटा रही हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुमने लिया, अब तुम लौटा रही हो। अगर फिर से पैसों की जरूरत हुई तो? तुम्हारी जैसी लड़कियों को हमेशा पैसे चाहिए होते हैं, और उसके लिए तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो, इसीलिए तुम विश्व के साथ दूसरे कमरे में। हर एक लड़की एक एक लड़के के साथ अलग अलग रूम में गई है। Objection, Your Honor. मैंने इसके भाई के मेडिकल बिल्स भी सबमिट किए हैं। I object, Your Honor. Counsels. Counsels. ये जो बोल रही है वो झूठ है। झूठ ये बोल रहा है। मिस्टर भरत, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। मेरे फ्रेंड्स भी मेरी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स हेल्प करते हैं? हाँ। घर चलाने में कौन है ये फ्रेंड्स? दिखाओ मुझे जरा। हमारे भी कई फ्रेंड्स हैं, मगर हमारा घर चलाने में कोई मदद नहीं करता। जवाब दो, एक्सेप्ट करो, यही काम करती हो तुम, यही तुम्हारी कमाई का जरिया है। अगर नहीं तो क्यों लड़कों के साथ अलग अलग कमरे में गई? हाँ, हाँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। उस दिन से यही बात सोच सोच कर मैं अपने आप को कोस रही हूँ। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने पैसे मांगे थे या नहीं? जिस तरह आपने मीरा को जलील किया उसी तरह मुझे भी करना चाहते हो, है तुमने ना? तुमने पैसे मांगे, ये बात एक्सेप्ट करो तुम। हमने पैसे मांगे थे यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसीलिए इतना जलील कर रहे हो। तुमने पैसे मांगे इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हुई है, समझ गई तुम? अगर तुमने पैसे नहीं मांगे होते तो तुम अपने घर जाती, वो अपने घर जाता। अमीर लड़कों को फंसा कर उन्हें बदनाम करने का धंधा खोल रखा है तुमने। Your Honor, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। सर, नो सर, प्लीज, मुझे बोलना है। सर, हमने पैसे मांगे और पैसे लिए। Fami, why are you doing this? हमने पैसे नहीं मांगे। Why are you branding us like this? Andrea Terian, keep quiet. सर, हमने पैसे लिए। सर, नो सर। सर, प्लीज सिट, सर, प्लीज सिट डाउन। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। सर, पैसे लेने के बाद मीरा का मन बदल गया। She withdrew her consent, sir. उसने नहीं कहा था सर, बार बार नहीं कहा सर, मगर वो लड़का, वो आधे बार बार उसे छूने लगा सर। अब आप ही फैसला कीजिए सर, कानून की नजर में उसने जो भी किया वो सही है या गलत। फमिता बानू, आप जा सकती हैं।
दिस सेशन इज अर्जर्न, अगली हियरिंग डेट जल्द ही बताई जाएगी। फमिता, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो। आज के बाद फोन मत करना प्लीज। जाहिर, उसने तुमसे सच्चा प्यार किया। यू नो व्हाट, तुम एक डरपोक हो। इट वॉज ब्रेव ऑफ यू। ना तुमने पैसे मांगे ना पैसे लिए, मगर पैसे लिए ये कहकर तुमने आसानी से आर्ग्यूमेंट क्लोज कर दिया। इसके बाद केस में उस पॉइंट को लेकर वो आर्ग्यू नहीं कर सकते। और मैं क्या कर सकती थी, तकलीफ होती है। पैसे मांगे, पैसे लिए, पैसे नहीं मांगे, इस बात पर हमारे सिवाय किसी और को यकीन नहीं। देखो आदिक, भारत को मैं संभाल लूंगा, तुम बस बार बार उसे उकसाते रहना। उसके आगे क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर आदिक, अगर तुमसे किसी लड़की ने थोड़ा सा हंस के मुस्कुरा के बात कर ली या फिर थोड़ा छू के बात कर ली तो तुम्हें क्या लगता है वो लड़की तुम्हें अपने साथ बेड पर सोने का इनविटेशन दे रही? नहीं, क्या मैंने आपसे ये कहा? तुम्हारा स्टेटमेंट ये कह रहा है मिस्टर आदिक, जो इस केस से कनेक्टेड है सिर्फ उनके लिए ही कहा है, दूसरों के लिए इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? हम कब और कहां किससे मिल रहे हैं। कब और कहां? एक लड़की को म्यूजिक फेस्टिवल में देखो तो वो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में देखो तो हिंट नहीं है। लड़की का कैरेक्टर तुम जगह देखकर डिसाइड करते हो, है ना? आप मेरी बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बातों को ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं, तुमने जो स्टेटमेंट दिया उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, मीरा नशे में थी जब उसने हमला किया, यह सत्यमूर्ति सर ने कहा। उस वक्त तुमने भी पी रखी थी? जी हाँ, मैंने पी थी। सो लेट अस अज्यूम दैट तुमने भी पी रखी थी। मीरा ने तुम्हें रोका या फिर रोकने की कोशिश की, मगर तुम उसे मलेस्ट करते रहे और मीरा ने तुम पर हमला कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, मगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। ओह सॉरी, तुम्हें बधाई देना भूल गया। हार्टी कंग्रेचुलेशंस, एमएलए कुमार की लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है ना? मेरे पर्सनल मैटर का इस केस से क्या कनेक्शन है? मेरे क्लाइंट से तुम्हारे लॉयर ने जो पर्सनल सवाल पूछे उसका भी इस केस से कोई कनेक्शन नहीं था। तुम यही कहना चाहते हो कि इनकी तरह मेरा कैरेक्टर भी ढीला है? सबके सामने यही प्रूफ करना चाहते हो ना? उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आदिक, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने तो तुम्हारी शादी की बधाई दी, मगर तुम हो कि गुस्से में आ गए। मैं गुस्से में नहीं हूं, बस इतना पूछ रहा हूं कि मेरी शादी की बात यहां क्यों कर रहे हो। आदिक, क्या तुम्हें हमेशा गुस्सा आता है?
या फिर जो बात तुम्हें पसंद नहीं उसका जिक्र करता। तू बार बार मेरे गुस्से के बारे में क्यों बात कर रहा है? तू, मैं तुमसे कितनी इज्जत से बात कर रहा हूं, तुम्हें तुमसे संबोधित कर रहा हूं, और तुम, खैर तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आदिक सर, क्या आप अक्सर सेक्स वर्कर के पास जाते हैं? नहीं सर। मतलब यह आपका पहली बार था? बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक। जी हाँ, इस सिचुएशन में ये मेरा पहली बार था। क्या आप अजनबी लड़कियों को डिनर पर भी बुलाते हैं? उन्होंने कहा हमें भूख लगी है, दे सर दे वो हंग्री सो वी कॉल देम। पता नहीं था ये गलत टाइप की लड़कियां हैं, इन पर भरोसा करके गलती की। क्या उसी भरोसे के साथ तुमने उन्हें ड्रिंक बना कर दिया? फोटो नहीं देखा, उसी ने ड्रिंक बनाकर पी। एंड्रिया का शराब पीते हुए कोई फोटो नहीं, क्या उसे तुमने कुछ डाल कर दिया? हम पी रहे थे तो कर्सी के लिए उनको ऑफर किया था। आदिक, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? तुम एमएलए की बेटी से शादी करने जा रहे हो, अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो नाम खराब होने का खौफ सता रहा है, या फिर शादी टूटने की फिक्र हो रही। खूबसूरत लड़कियों को शराब और डिनर के लिए इनवाइट करना तुम्हारी हॉबी है, सही कहा ना? जस्ट एडमिटेड, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बताऊं क्यों? बिकॉज अगर सेक्सुअल असॉल्ट का गुनाह तुम पर साबित हो गया तो लंबे समय के लिए अंदर जाओगे, और उसी डर से तुमने ये झूठी कहानी रच डाली, सही कहा ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या ऑब्जेक्शन है मिस्टर सत्यमूर्ति? उनके क्लाइंट्स ने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने पैसे लिए हैं तो। ठीक है बैठ जाओ, कैरी ऑन मिस्टर भरत। सो लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, जब मीरा तुम्हारे लिए ड्रिंक बना रही थी तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि गलत लड़कियों से दूर रहना चाहिए? उस वक्त मुझे वैसा नहीं लगा। तुम्हारे घर की महिलाएं शराब पीती हैं? हमारे यहां सिर्फ घर के मर्द पीते हैं। तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन शराब नहीं पीती? अच्छे घरों की औरतें शराब नहीं पिया करती। पार्टीज में जाती हैं? फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के फंक्शंस में जहां सिर्फ घर वाले होते हैं, पार्टीज करने के लिए नहीं जाती। मिस्टर आदिक, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये तुम्हारी बहन की फोटो है जो एक पार्टी में शराब का आनंद ले रही है। अपनी औकात में रह, फोटो को नीचे रख, नीचे रख। तू किसके साथ बात कर रहा है जानता है तू? यही बात अपने मामा से जाकर पूछ ले। सर ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? ये बिना वजह विटनेस को मिसलीड कर रहे हैं। झूठ है ये, मेरी बहन ये सब नहीं करती। पार्टी में जाना, अजनबियों के साथ मुंह उठाकर रिजॉर्ट में जाना, ये सब इन जैसी लड़कियों का काम है। अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। ऐसी लड़कियों के साथ यही सब होना चाहिए। आदिक प्लीज कीप क्वाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम जैसे हैवानों को ये लगता है कि ऐसा करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लड़कियों के कपड़े, उनकी बातें। ऑब्जेक्शन किए सर, वन सेकंड। रिजॉर्ट में आकर हंसी मजाक करके मेरे ही जोक पर हंसकर, मैं नहीं कोई और लड़का भी होता तो यही सोचता कि ये सबके लिए रेडी है और ट्राई करता। मैंने भी किया, लेकिन ये रिजॉर्ट में क्यों आई, मेरे रूम में क्यों आई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मूर्ति, साइलेंस। शायद उसे पता नहीं था कि तुम रेप करने वाले थे, इसीलिए गलती से आ गई। रेप? आदिक स्टॉप। सर वन सेकंड, क्या रेप? इसे तुम रेप कह रहे हो? यहाँ किसी से भी पूछ के देख लो, ऐसी लड़कियों के साथ यही सब होता है। ऐसी लड़कियों को किस नाम से बुलाया जाता है मालूम है तुम्हें? मिस्टर सत्यमूर्ति, प्लीज कंट्रोल हिम। थैंक यू आदिक, थैंक यू। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड योर ऑनर। आदिक ने एग्जैक्टली वही कहा जो उस दिन हुआ था। मॉडर्न घर की लड़कियां भी अच्छे घर से आती हैं, और काम करने वाली लड़कियां भी अच्छे घर से आती हैं। हाथ को पत्थर पर मारो या पत्थर को हाथ पर मारो, चोट तो हाथ को ही आती है। सुई के छेद से धागा निकालने के लिए नजर तेज होनी चाहिए। सदियों से ऐसे मुहावरे सुनते आ रहे हैं, हमने कभी योर ऑनर सुई से परमिशन लेकर धागा नहीं डाला। लड़कियां सुई और पत्थर की तरह कोई वस्तु नहीं, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी लड़कों की तरह इमोशंस होते हैं। मगर इन जैसे लड़कों के लिए लड़कियां आज भी किसी कमोडिटी से कम नहीं। लड़कियां अपने गले में बोर्ड लगाकर नहीं घूमती कि वो हर चीज के लिए तैयार है, मगर इन जैसे सो कॉल्ड इज्जतदार खानदान के लड़के आज भी वही घटिया मेल डोमिनेटेड मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं। किसी भी मर्द या औरत को इच्छा व्यक्त करने का पूरा हक है, कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता, मगर इन जैसे लोगों को यह समझ नहीं आता, बात करना या हंसने जैसी छोटी छोटी चीजों को लेकर कौन सी लड़की अच्छी है कौन सी बुरी है
किस पर हाथ साफ किया जाए ये फैसला कर लेते हैं। I rest my case, Your Honor. Counsel's closing arguments, Mr. Satyamurthy. Your Honor, ये लड़कियां पैसों के मकसद से रिसॉर्ट गई, ये हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया। अगर इनकी कोई गलती नहीं थी तो पुलिस में क्यों नहीं गई? आदिक अमीर है, यंग है, उसे ब्लैकमेल करके डराने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डॉक्टर, वेटर, मैनेजर, उनके पड़ोसी, इन सभी के स्टेटमेंट सबमिट किए हैं। अगर देखा जाए तो इन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया, ये बस झूठे सेल्फ डिफेंस का बहाना बना रहे हैं। सेल्फ डिफेंस बोलना आजकल का फैशन हो गया है, जब चाहे इस्तेमाल कर लो। इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि मीरा कृष्णन को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाए और बाकी दोनों लड़कियों को 6 महीने की सजा सुनाई जाए। सारे सबूत आपके पास हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर भरत, प्रोसीड। मिस्टर भरत, सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक पूरा वाक्य है। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या वाक्य की जरूरत नहीं है। नो का अर्थ नो ही होता है, नहीं मतलब सिर्फ नहीं। माय क्लाइंट सेड No, Your Honor. And these boys must realize, नशे में भी no means no. चाहे तुम उसे जानते हो या फिर नहीं जानते, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या लवर हो, चाहे वो खानदानी हो या सेक्स वर्कर ही क्यों ना हो, खुद की पत्नी भी हो सकती है वो। अगर उसने भी नो कहा तो नो है। नो मीन्स नो। एंड व्हेन समवन सेज नो, यू स्टॉप। केस पास्ड ओवर फॉर जजमेंट। थोड़ी देर में कोर्ट इस बात पर अपना फैसला सुनाएगा। द कोर्ट बिलीव्स दैट दिस इज अ न्यू बिगनिंग। मीरा कृष्णन पर लगाए गए सारे चार्जेस सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और दो लोगों पर लगे चार्जेस सेक्शन 324 सॉलिड एविडेंस न मिलने के कारण सेक्शन 97 और सेक्शन 101 के मुताबिक, ऐसा मानते हुए कि ये एक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया था, ये कोर्ट तीनों को बाइज्जत बरी करता है। और मिस्टर भरत के दलीलों को नजर में रखते हुए ये पता चलता है कि अधिक ने यह संगीन जुर्म किया है और कोर्ट उस पर जो पहले से लगे चार्जेस थे उसकी बारीकी से छानबीन करने का और उस पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देती है। द कोर्ट इज डिस्पर्स्ड। चलो चलो चलो।